नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। राहुल गांधी ने किया नरेंद्र मोदी सरकार पर वार, कहा इससे तो फायदा सिर्फ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कमजोर कैसे करते हैं ये सीखना है तो कोई मोदी सरकार से सीखे। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस सड़क खाली करने का दबाव बना रही है। इसी के चलते बिजली, पानी और टॉयलेट की सुविधा बंद कर दी गई है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकत का होगा। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया वे गोलिया का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं आज आप नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज क्रमशः गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर जाने वाले हैं। बता दें कि 26 जनवरी की घटना के बाद से कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर अस्थिरता फैली हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च बेकाबू हो गया था, जिसके बाद ITO, लाल किला और नांगलोई समेत दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बवाल मचा। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 44 किसान नेताओं के खिलाफ LOC जारी किया है। ये देश छोड़कर नहीं जा सकते। पुलिस जल्द ही नेताओं को पूछताछ के लिए बुला सकती है। गणतंत्र दिवस के बाद हुई हिंसा में 350 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे, जिनसे गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मुलाकात की थी।